सारी उम्र मैं जोकर ही बनी। लेकिन आज देखेंगे बिग बॉस के घर पे क्या क्या सीन चल रहा है। एपिसोड में नहीं देखता लेकिन वी विल ट्राई नॉट टू लाफ। और अगर ऐसा तो तुम्हें मैं पैसा देगा, तुम्हें पता है ये बात। आजाओ गाइस पहली क्लिप से चालू करते हैं। लेट मी ट्राई नॉट टू लाफ। सलमान भाई डिडंट हेसिटेट। ओके लेट अस सी। बाबू भाई आपके लिए मैसेज आया। सारी उम्र मैं जोकर जबड़े आ रहा। वी आर सेफ माय गाइस। मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर यहां पे ये जो जोकर वाला इमोजी लगाते, अगर ये लोग इमोजी लगाते मैं हंस जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर ये इमोजी लगाते मैं हंस जाता। मैं जैसे तैसे रोका वो भी। इट इज वी आर सेफ। फर्स्ट क्लिप फट गई है मेरी लेकिन वी आर सेफ राइट नाउ। ओके अगले क्लिप पे बढ़ते हैं गाइस। लेट्स सी। सबसे बड़ी गलत चीज ये है कि आप वैलिडेशन किससे ढूंढ रही हो, जिसके पास खुद के पास कोई वैलिडेशन नहीं है, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। किसके साथ बैठती हो, नाम लो। सब बाबू भैया। और वहाँ पे नाम ही बाबू भैया कर दिया क्या? अरे यार मेरे को लगा था ये निकनेम टाइप होगा। वहाँ पे भी नाम बाबू भैया है क्या? बाबू भैया जो बाइक पर बैठकर इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं, और इस घर में भी वही कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। सब मैंने मना रखा। ये इमोजी की बात कर रहा मैं, कह रहा था तुम्हें ये पिछली क्लिप में ये इमोजी ये लगा देते ना मेरा खत्म था भाई। चलो एक क्लिप तो लास्ट किया मैं कम से कम। यार और हो क्या रहा, इतनी लीक क्यों जा रही है मैं समझ नहीं रहा। अनुराग भाई की इतनी लीक क्यों जा रही है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा हुआ क्या था गाइस कि लोग लेने पे आ गए? ऐसा हुआ क्या? हर कोई ले रहा है। मैंने सुना बिग बॉस का वो जो अजीब सी आवाज निकालते वो ले रहे हैं, फिर सल्लू भाई भी ले रहे हैं। मतलब हुआ क्या मेरे को बताओ गाइस, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ ये सब। मेरे पे मैं नहीं देखता बिग बॉस, मेरे को देखने का टाइम नहीं लगता। तो मेरे को बताओ क्या सही में ऐसे लिया जाना सही है या गलत हो रहा है, मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता। मैं बस मीम देखूं और आगे बढ़ जाऊं। ओके लेट टू सी अनदर क्लिप। बाकी और आगे देखेंगे, पहले ये देखता हूं क्योंकि उन सारी क्लिपों में मैंने हंसना है, तो थोड़ा कंट्रोल वाली देख लेता हूं। तो हेलो आपका नाम? राधे श्याम। तो अगर आपको 500 रुपए मिलता तो आप क्या करेंगे? 500 रुपए क्या करेंगे, आधा दान कर देंगे आधा खा जाएंगे। अच्छा तो जब मिलेगा कर दीजिएगा। क्यों मेरे भाई क्यों तुमने क्यों किया? अरे यार बेचारे अंकल को लगा होगा पैसा दे गए 500 रुपया। अरे यार भाई ऐसा क्यों किया भाई इसने? Why did this बंदा do this guys? I don't know। ऐसे लोग क्यों है? अरे बेचारा अंकल, पर ये भी चलाकी है। 500 रुपया तुम्हें लगता है अंकल दान करेंगे? Let us be honest here। साली मेरी कुर्सी। Let's just be honest guys, तुम में से कितनों को लगता है अंकल सही में दान करेंगे? Let's be honest। और करना भी नहीं चाहिए दान अंकल, तुम्हें जरूरत है तुम्हें दान करने की जरूरत नहीं है कोई। It's okay। लेकिन ये नल्ला निकला साले ने, बुद्धू काट दिया अंकल का। अबे तू मेरी नकल करता है, what is this? ये भैया आए थे अपने पास अल्ट्रा वॉच लेने के लिए। ले लिया भैया अल्ट्रा वॉच? कैसी लगी क्वालिटी? अच्छी है। कितने में लिए? 500 रुपए में। 500 रुपए में सच बुलवाने की निंजा टेक्निक। मेरे को पहले ही पता है कुछ ऑफेंसिव मीम हो गया। अरे यार आ जाओ। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे यार खाओ आगा। अरे इट वॉज अ गुड मीम गाइस, इट वॉज अ गुड मीम। ये रहा गिफ्ट कोड। स्टीव जॉब्स वॉचिंग फ्रॉम हेवन। ओके ये हमारे तीनों भाई आए आईफोन बनवाने, बना के देते हैं। ये तीनों फोन बन के रेडी है। 14.5 लाख इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, पोको को आईफोन कर दिया। ओके एक और बिग बॉस की क्लिप। और गाइस मैं तुम्हें पहले बता दूं, हो सकता है वीडियो डाउन हो जाए या मैं खुद ही कर दूं, क्योंकि अगर मेरे को लगे कि कॉपीराइट का खतरा है तो हो सकता है मैं डाउन कर दूं। ठीक है तो पहले बता दूं डाउन करने की वजह, पहले बता दूं क्लियर रहे।
आप बताइए कि घर का जीरा कौन है? जीरा वो जो हर सब्जी में होता है, हाँ, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत होते हैं। जीरा कैन बी बाबू भैया हर कॉन्वर्सेशन में होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। सारी उम्र में जोकर जब जीरा जोकर बना दिया। अभी एक कोई डांसर वाली क्लिप थी, ठीक है मेरे भाई, कोई अभी चुगली खोर भी कह रहा था चल क्या रहा है मेरे ताऊ यहाँ, भाई का कुछ नहीं हो सकता। अरे ये कौन है वैसे? मैं फ्लर्ट नहीं करती, मैं तो बस उसकी स्माइल देख रही हूँ। किसकी? मुनव्वर मुनव्वर की। मुनव्वर पलटो ना, मैं तुम्हारे पे इतना ट्राई मार रहा हूँ उसका कुछ पलट। हेलो क्या हो गया इसको? सब लाइन मार रहे हैं एक दूसरे पे। मैं काम करती हूँ, तीन लड़के बैठे हैं, ये तो मेरा भाई है। सारी उम्र में जोकर जब बड़े कौन नहीं ले रहा है भाई की। अरे यार लड़की भी ये तो भाई बना दिया। अरे बाबू भैया बट ये तो मेरा भाई। रुको मैं काम करती हूँ, तीन लड़के बैठे हैं, ये तो मेरा भाई है। सारी उम्र में जोकर जब ना, दिस इज बैड बाय गाइस। ओके लेट अस सी दिस। मानी एक मंत्र मारूंगा, इधर में रख दूंगा, ये कबूतर गायब हो जाएगा। तुम कह दो इसको गायब कर दू, तुम कह दो इसका जोड़ा बना के उड़ा दू। जोड़ा बना के उड़ा दो, बजाओ देखो इसका जोड़ा बना के उड़ा दू। ये आ गया, बोलो छोड़ दो, छोड़ दो। चर घुस दो बन गया, बोलो दिखा दो। तीन बना दो, तीन गलत जगह पे डाला गया है ये, लेकिन साला कहता तीर बना दो। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, छोड़ दो, लुक एट दिस, दो बन गया, बोलो दिखा दो। तीन बना दो, सारी तीर बना दो। यार तीर बना, भाई का चेहरा देखने लायक था ये देखो। तीर बेचारा काम कर रहा है सुबह से और कहता है दो का तीन कर दे साले। यार इट वाज अ नाइस मीम गाइस, आई हियर गिफ्ट कार्ड जोकर राइडर। अरे यार मैं भाई इस वीडियो पे बहुत लॉस होगा मेरा, बहुत लॉस होगा मेरा इस वीडियो पे। इस घर में चाय सबसे ज्यादा किसको पसंद है? तो बाबू भैया सबके लिए चाय बना ला। सारी उम्र में No, this is just, guys, this is too much, my guys, this is too much. बाबू भैया का डांस, ओ ना। तो स्टेज पर लगाने आग आ रहे हैं अनुराग, अनुराग। सुना था तुमने ब्रोकन डांसिंग की है। हिंदुस्तान की जनता मैं सीख रहा हूँ और जब तक ये सीजन खत्म होगा तब तक एक प्रोफेशनल डांसर बन ही जाऊंगा मैं। अगर आप सीजन खत्म हो सारी उम्र में जोकर, ये तो ठीक है, चलो डांस का मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता ठीक है कोई नहीं, पर ये जो बोला गया ना यहाँ जाऊंगा मैं। अगर आप सीजन खत्म हो अगर आप सीजन खत्म होने तक यहाँ पे हुए ही नहीं तो दैट इज जस्ट ओ ना 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 ना, ये तो बहुत बुरा। अरे यार ये डांस वाले पार्ट का तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन भाई ये ओ दिस इज बैड गाइस ब्रो, लिटरली ओन्ड दिस सॉन्ग। तो एक बंदा क्या ही कर पाएगा, समझ रहे हो ये हो रहा है मैं कहा, पर ऊपर से हम लोग की टीम में ये है, ये आदमी सोचो ना अनुराग, और पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गया। That's not bad. I cannot hate on that. That's okay, Das guys. आप इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे और इस शिकायत किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए, ये तो यार अब तो मेरे को भी बुरा लगने लग गया यार, क्योंकि डांस के लिए हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा कर चीज है। तुम एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। ये रहा गिफ्ट कार्ड। मेरा रिश्ता तुझे और मुझे पता है, हाँ। तो हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है इस घर में, जिसकी जो मर्जी आ रही है, जिसकी कोई राइडर के साथ कैसे लिंक अप कर रहा है पर इनको
ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही ले रही है भाई, कि वो जो दूसरी वाली है जो लिपस्टिक ज्यादा लगाती है, डुप्लीकेट पार्वती, पार्वती नहीं क्या है, सरस नहीं क्या है, परिणीति चोपड़ा सो। अच्छा तू बड़ा जानता है। भगवान माँ कसम, ये कुर्सी साली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बंदा कुछ भी बोले। हाँ ये लड़की की बात कर रहा था मैं, ये भाई की लेने के लिए हमेशा तैयार है, इस कंपनी को नहीं पता कौन है, लेकिन बंदा कुछ भी भाई मुंह खोलते भाई बंदा सांस देगा, जोकर मीम डाल देंगे लोग, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है साहब, आई डोंट नो गाइस, बंदा सांस देगा कोई रोस्ट करके चल देगा बिग बॉस के घर से, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, आई डोंट नो। कटरीना को सच में लगा, आई डोंट नो क्या ये एक और डांस क्लिप है शायद। ये तो बढ़िया कर रही है, कौन है कमत, यू आर टू गुड, यू टाइगर का क्या हालत कर दिया यार। सर डांस नहीं आता, सीख रहा हूँ। अरे डांस नहीं आता, भाषण दिए, भाषण भी नहीं आता था तुम्हें। वो जोक था कटरीना। क्या कटरीना कैफ को लगा कि भाई एक इंटरनेशनल डांसर है? और अब देखो, अब ये जो डांस था, ये जो हो रहा है, इस पे तो आप लोग करेंगे ट्रोल मेरे भाई। अरे यार ओके, लेट अस सी दिस, आई हैव नो आइडिया ये क्या है। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। हाँ माइक चेक, बैकग्राउंड चेक, अरे चल क्या रहा है, हेलो ये हो क्या रहा है। ओके दिस इज द लास्ट क्लिप गाइस, आई गिव अप, दिस इज द लास्ट क्लिप, लेट अस सी दिस गाइस। अनुराग बाबा जी, जी आपको कितने हफ्ते काटने हैं यहाँ? जब तक आपकी कृपा बनी रहेगी बिग बॉस, तब तक यहीं रहेंगे। मेरे हाथ में होता तो फिर मैं कह तो रहा हूँ कोई है नहीं जो जिसने छोड़ा हो, जिसने लीना हो, हर कोई। खैर गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, दिस वाज यूला फिलूस, काफी तगड़ा लॉस हुआ होगा मेरे को, लेकिन तुम्हें क्या लगता है गाइस ये जोकर वाली सिचुएशन पे तुम्हारा क्या कहना है? मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बस मजे लेने आ रखा हूँ, मैं भी देखूं मीम क्या चल रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं और मेरे दोस्त लोग कह रहे थे भैया, मुश्किल है बहुत ज्यादा बाहु भैया का जीतना, मुनावर करके है मैंने सुना है, स्टैंड अप कॉमेडियन करके, मेरे को पता नहीं गाइस सच अगर मैं बताऊं, मैं ज्यादा देखता नहीं है सब, लेकिन ही इज गोइंग टू विन, पीपल आर सेइंग, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कौन जीत रहा है, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो भाऊ भैया का जीतता तो भैया मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बट वी विल सी, क्या पता भाई की सेना आ जाए। यस मैंने कमेंट पढ़ा था, लोग ब्रो सेना को जोकर सेना कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर मत बरसो, मैंने कमेंट में पढ़ा था इंस्टा के, तुम कोई भी कमेंट खोल लेना टॉप पे भाई, ऐसी कोई कमेंट होगा कि ब्रो सेना क्रॉस जोकर सेना टिक करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ये मैंने पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है, दैट इज इट। खैर दिस इज इट गाइस, होपफुली बिग बॉस स्ट्राइक ना दे मेरे को, और दैट वुड बी गुड। खैर कल देखते हैं, बाय बाय।